दोस्तों आज के समय में बड़ी साइज के सोलर पैनल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि जहां हमारे नॉर्मल सोलर पैनल के अंदर 72 सेल होते हैं और हाफ कट के केस में 144 सेल होते हैं, इससे हमें मैक्सिमम जो प्रोडक्शन मिलता है वो 330 वाट से लगा के 450 वाट तक का होता है। वहीं आज के समय में जो बड़ी साइज़ के सोलर पैनल आ रहे हैं, इसके अंदर पहली चीज़ तो जो सोलर सेल होते हैं वो 72 की जगह 78 और 156 होते हैं हाफ कट के केस में, और जो सोलर सेल होते हैं इनकी साइज़ भी बढ़ा दी गई है, जिस वजह से ये सोलर पैनल 500 वाट से लगा के 700 वाट तक का प्रोडक्शन करते हैं। इस कारण काफ़ी सारे लोग इन सोलर पैनल को बिना पूरी जानकारी लिए खरीद लेते हैं और उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्या बड़ी साइज़ के सोलर पैनल को खरीदना फ़ायदेमंद है या फिर नहीं, और साथ में ये भी जानेंगे कि सोलर पैनल के अंदर कितनी बसबार होनी चाहिए और क्या ज़्यादा बसबार होने से सोलर पैनल का प्रोडक्शन कम होता है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं आई स्मार्ट के बारे में। इंडियन सोलर मार्केट एग्रीगेशन फॉर रूफटॉप, ये प्रोग्राम लोगों में सोलर सिस्टम की अवेयरनेस फैलाने के लिए चलाया जा रहा है, जिसे भारत की मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी MNRE और साथ में जर्मनी की ऑर्गेनाइजेशन GIZ के द्वारा इनिशिएट किया गया है। इस प्रोग्राम में आपको रूफटॉप सोलर के बारे में जानकारी दी जाएगी, सिखाया जाएगा कि कैसे इनका इंस्टॉलेशन होता है, क्या प्रोसेस होती है, एक एक चीज़ यहाँ पर आपको सिखाई जाएगी। और दूसरा बेनिफिट इस प्रोग्राम को आपको मिलेगा कि जो लोग पहले से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं उनसे भी आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। तीसरा और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आती है कि ये प्रोग्राम पूरी तरीके से फ्री है, इसे ज्वाइन करने के लिए आपको किसी भी तरीके से कोई भी पेमेंट नहीं करना है, और लास्ट में आपको पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। यदि आप पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल से हैं तो वॉलंटियर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा और यही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। यहाँ पर जाके एक बेसिक फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको नाम भरना है, मोबाइल नंबर देने, आपके सिटी, स्टेट और एड्रेस फिल करना है। इसके बाद में जैसे ही साइनअप करेंगे तो इसके बाद में आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी और जो भी ट्रेनिंग है आपकी पूरी तरीके से ऑनलाइन कंप्लीट होगी। फर्स्ट बात करते हैं सोलर पैनल के बारे में। हमारा जो सोलर पैनल होता है मल्टीपल सोलर सेल से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ पर अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में आपको 36 और 72 सेल के सोलर पैनल सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर एक एग्जांपल से इसे समझे तो मान लीजिए 5.5 वोट का एक सोलर सेल होता है, तो 36 सेल का अगर सोलर पैनल है तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम 200 वाट तक का एक सोलर पैनल देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम सोलर सेल बढ़ा देंगे, मान लीजिए 72 सोलर सेल कर दिए, तो यहाँ पर लगभग हमें 400 वाट उसी सोलर पैनल से मिल जाएंगे। यही सेम कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमें और ज़्यादा यहाँ पर वोट की ज़रूरत है या फिर हमें और ज़्यादा यहाँ पर पावर सोलर पैनल से चाहिए, तो इसका एक ही ऑप्शन होगा कि या तो हमें जो सोलर सेल है उनकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी या फिर जो सोलर सेल अंदर लगे हुए हैं उनकी साइज़ बढ़ानी पड़ेगी। इन दोनों ही तरीके से हम जो सोलर पैनल है इसका आउटपुट बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत होगी कि सोलर पैनल की अगर हम वाट बढ़ाएंगे तो साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज के समय में कंपनियां भी कुछ ऐसा ही कर रही है। नॉर्मल सोलर पैनल में 72 हाफ कट के केस में 144 सेल होते हैं, वहीं नए जो सोलर पैनल आ रहे हैं इन सोलर पैनल के अंदर आपको 78 सोलर सेल देखने को मिलेंगे, वहीं हाफ कट के केस में आपको 156 सोलर सेल देखने को मिलेंगे। और साथ ही जहां पर नॉर्मल सोलर पैनल में जो सोलर सेल होता है इसका साइज़ 156 से लगा के 158 mm तक का होता है, लेकिन जो ये नए सोलर पैनल है जो बड़ी साइज़ के हैं इनके अंदर जो सोलर सेल है इनका जो साइज़ होता है वो 182 mm तक कर दिया गया है। यहाँ सोलर पैनल का साइज़ बड़ा होने से कोई खास फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ छोटे मोटे फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं हम फ़ायदों के बारे में। जो बड़ा बेनिफिट हमें यहाँ पर मिलता है कि सोलर पैनल का साइज़ बड़ा होने से जो सोलर पैनल की काउंटिंग होगी वो कम हो जाएगी, जिस वजह से जो बैलेंसिंग ऑफ सिस्टम है उसके अंदर कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे, यानी वायर के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, इन चीज़ों के लिए हमें यहाँ पर थोड़े बहुत कम रुपये खर्च करने पड़ेंगे। सेकेंड बेनिफिट हमें मिलेगा कि इंस्टॉलेशन ईजी हो जाएगा, सोलर पैनल की काउंटिंग कम होगी तो कनेक्शन कम करने पड़ेंगे, तो ये एक और बेनिफिट हमें यहाँ पर मिल सकता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट बेनिफिट मिलता है, आज के समय में जो नए सोलर पैनल आ रहे हैं बड़ी साइज़ में, इनके अंदर बसबार ज़्यादा होती है। नॉर्मली जो सोलर पैनल होते हैं उसके अंदर 5 बसबार होती है, लेकिन इन सोलर पैनल के अंदर आपको 9 या फिर 10 बसबार देखने को मिलेगी। लेकिन काफ़ी जगह आपको ये सुनने को मिलता है कि जो सोलर पैनल है इसके अंदर अगर ज़्यादा बसबार होगी तो सोलर पैनल का परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। इस पूरी चीज़ को जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सोलर सेल और सोलर पैनल के अंदर बसबार का क्या काम होता है। जो सोलर सेल होते हैं उनका काम होता है बिजली बनाना,
और साथ में बस बार का काम होता है जो बिजली सोलर सेल ने बनाई है उसे ट्रांसपोर्ट करना, यानी एक जगह ले के जाने के लिए बस बार लगी हुई होती है। तो यहाँ पर इन दोनों की वर्किंग इस तरीके से रहती है। अब सोलर सेल जो काम करते हैं वो करते हैं सूर्य से मिलने वाली रोशनी से, यानी कि जो सोलर सेल है उसके जितने एरिया के ऊपर धूप गिरेगी खाली वहीं पर ही हमें बिजली बनती हुई देखने को मिलेगी, यानी कि जहाँ जहाँ पर बस बार आ जाएगी वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर सोलर पैनल में हम ज़्यादा बस बार लगा देंगे तो क्या होगा कि जो सोलर सेल है उसका एरिया कवर हो जाएगा और उस जगह पर बिजली नहीं बनेगी। इसीलिए जो सोलर पैनल होते हैं इसके अंदर ज़्यादा बस बार नहीं लगाई जाती है। लेकिन आज के समय में जो नए टेक्नोलॉजी के साथ में सोलर पैनल आ रहे हैं इसके अंदर जो बस बार लगाई जाती है ये राउंड होती है, जहां फ्लैट बस बार 0.4 या 0.3 mm की होती है वहीं राउंड जो बस बार काम में ली जाती है इनकी थिकनेस काफ़ी कम होती है और लगभग ये 0.1 mm के आसपास होती है, जिस वजह से अगर नॉर्मली सोलर पैनल में 5 बस बार काम में ली हुई है और बड़ी साइज़ के जो सोलर पैनल बनाए जा रहे हैं या फिर नई टेक्नोलॉजी के साथ में अगर 9 या 10 बस बार भी काम में ली जा रही है तो भी ये जो एरिया कवर करती है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि इनकी थिकनेस लगभग आधी से भी ज़्यादा कम होती है फ्लैट बस बार के कंपैरिजन में। ज़्यादा बस बार होने का बेनिफिट ये होगा कि जो सोलर सेल होगा उसके ऊपर ज़्यादा पाथ मिल जाएंगे करंट को फ्लो करने के लिए, जिससे जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पर इतना कोई बड़ा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर बात करें नॉर्मल अगर 1 kW सोलर पैनल 5 यूनिट दे रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप नई टेक्नोलॉजी के साथ जा रहे हैं जिसमें ज़्यादा बस बार है और हाफ कट सेल को काम में लिया हुआ है तो यहाँ पर लगभग आपको जहाँ पे 5 यूनिट मिल रहे थे वहाँ पे 5.3 यूनिट तक आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कॉस्टिंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब बात करें यहाँ पर नुकसान की, तो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा अगर सोलर पैनल का साइज़ बढ़ जाता है तो हैंडलिंग के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, साथ में जो सोलर पैनल को इंस्टॉलेशन के लिए स्ट्रक्चर होता है उसकी भी क्वालिटी हमें ज़्यादा अच्छी लेनी पड़ेगी, क्योंकि तेज़ हवा के अंदर अगर स्ट्रक्चर लोकल लेंगे या फिर लो क्वालिटी का होगा तो हमारा जो सोलर पैनल है और स्ट्रक्चर दोनों चीज़ें टूट सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो नुकसान हमारे हो सकता है कि मान लीजिए किसी केस से हमारा जो सोलर पैनल है वो टूट गया, तो बड़े सोलर पैनल का टूटना और अगर एक कंपेयर करें छोटा सोलर पैनल टूटेगा तो यहाँ पर जो नुकसान होता है वो भी उसके बीच में भी काफ़ी बड़ा एक डिफरेंस होगा। तो ये कुछ मेजर यहाँ पे इसके ड्रॉबैक हो सकते हैं अगर हम बड़ा सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं नॉर्मल सोलर पैनल के कंपैरिजन में। लास्ट यहाँ पे बात करें क्या बड़े सोलर पैनल के नाम पे हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो इसका जवाब है नहीं। हमें हमारी ज़रूरत के हिसाब से सही सोलर पैनल का सिलेक्शन करना चाहिए। जितने भी जो बड़े सोलर पैनल बनाए जा रहे हैं ये इंडस्ट्रियल या फिर बड़े जो प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं इनको टारगेट करके बनाया जा रहा है, ना कि जो रेजिडेंशियल छोटे मोटे हम घरों के अंदर इंस्टॉलेशन कराते हैं इनके लिए। ज़्यादातर अगर आप कंपनीज़ के इन्वर्टर देखेंगे तो ये जो बड़े सोलर पैनल है इनको सपोर्ट भी नहीं करेंगे, तो कोई भी अगर आप सोलर पैनल खरीदते हैं तो इससे पहले ये चीज़ चेक कर लीजिए क्या वो आपके इन्वर्टर के साथ कंपेटिबल है या फिर नहीं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई स्मार्ट प्रोग्राम का जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, आपका कोई सुझाव है, आपको कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।